आर टेन टू दी आर टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे, या समटाइम्स लिया था या लिए थे आता है। ये वो टेंसेस होते हैं जिसमें आपने काम कर लिया होता है और वो भी उसमें वक्त काफी मतलब गुजर चुका होता है। रूल्स अगर आप इसके देखें, सब्जेक्ट के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करेंगे हम, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें आपके पास डब्ल्यू फैमिली से वर्ड हो, जैसे कि वर्ड वाई, विच, हु या हाउ समटाइम। वो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड जो होंगे वो सबसे पहले वो आएंगे, फिर हम हैड का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम हैड का यूज करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल गया था। गया था मतलब था, पास्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू रीच्ड। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। हैड नॉट सीन जो है सी की फर्स्ट फॉर्म से सीन सी सॉ सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, क्या मदद मिलने से पहले ही जख्मी मर चुका था। हैड को स्टार्ट में लेंगे, हैड द वॉन्डेड डाइड बिफोर रिसीव हेल्प। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, हमीद ने अब तक कर्जा क्यों वापस नहीं किया। अब ये सवालिया है, मतलब से सवाल पूछ रहा। सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली को लेके लेंगे, व्हाई हैड हमीद नॉट रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न लोन कर्जे को बोलते हैं, अब तक टिल नाउ। सूरज 5 बजे से पहले गरूब हुआ था, द सन हैड सेट बिफोर 5 o'clock। अब हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें डबल पास्ट है, वो कैसे हम देखते हैं। जब मैं स्टेडियम पहुंचा, ये एक काम है, जब मैं स्टेडियम पहुंचा मैच खत्म हो चुका था। दूसरा काम क्या है कि मैच जो है वो खत्म हो चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस में जो दूसरा मतलब स्ट्रक्चर मतलब दूसरा काम जो होता है, जैसे मैच खत्म हो चुका था, इसको हम पहले इसकी जो है हम वो करते हैं, ट्रांसलेट करेंगे इसको। द मैच हैड एंडेड, मैच खत्म हो चुका था, एंडेड। जब मैं पहुंचा, व्हेन का यूज करेंगे जब के लिए, जब, व्हेन आई रीच द स्टेडियम। इसमें जो सेकेंड स्ट्रक्चर जो होगा उसमें हम पास जो है वो पास की मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे पास के लिए। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की हुई है हमने रीच की, और यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज की हुई है एंड की, एंडेड, ठीक है। इसी तरह और से बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो इसमें जो ट्रेन जा चुकी थी जो है वो उसमें हम पहले उसकी ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस देखें, क्या गाड़ी 6 बजे से पहले रवाना हो चुकी थी। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर 6 o'clock। इन बच्चों ने कभी शेर नहीं देखा, दीज चिल्ड्रन हैड नेवर सीन लाइन। क्या इसकी पैदाइश से पहले इसका बाप मर चुका था, ये भी डबल है मतलब। हैड हिज फादर डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न। क्या तुमने मेरे आने से पहले नॉवल खत्म कर लिया था। हैड यू फिनिश नॉवल बिफोर आई केम। हैड यू फिनिश्ड
थर्ड फॉर्म में रहेंगे हम फिनिश्ड नॉवल बिफोर आई केम. यहाँ पर हमने कम की सेकंड फॉर्म यूज की है केम. ठीक है, तुलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे. हैड द स्टूडेंट्स सॉल्व द पेपर बिफोर टाइम. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, वो इससे पहले ट्रेन में सवार हुआ था. ही हैड बोर्डेड द ट्रेन बिफोर दिस. ट्रेन में सवार होने को बोलते हैं बोर्डेड. क्या पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर नकब लगा चुका था. नकब बोलते हैं ब्रेक इनटू, लेकिन यहाँ पर हम जो फॉर्म यूज करेंगे हैड द थीफ ब्रोकन इनटू बिफोर पुलिस अराइव. मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की. हु डब्ल्यू फैमिली से हमारे पास पहले वर्ड आएगा हु हैड मेड माई स्पीच बिफोर माई एड्रेस. यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज की है ब्रेक की. क्या तुम तारीख इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे. Had you already studied history of Islam? Inspector के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था. No one had gone out from the school before inspector arrived. Had gone out to the school before inspector arrived. क्या रीच के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ गया था. अब ये भी डबल टेंस है, इसमें आप देखें दरख्त पर चढ़ने की हम पहले इंग्लिश करेंगे. ही हैड क्लाइम अप, ऊपर चढ़ना दरख्त पर. ही हैड क्लाइम अप द ट्री बिफोर बियर रीच. यहाँ पर हमने क्लाइम की थर्ड फॉर्म यूज की क्लाइम और बिफोर बियर रीच. रीच यहाँ पर हमने रीच की सेकंड फॉर्म सेकंड जो है फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है रीच. क्या मोटर कार खरीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था. हैड ही सेव मच मनी बिफोर ही बॉट कार. ये बाय की फॉर्म हमने यूज की है यहाँ पर सेकंड. उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था. They had not witnessed such an attractive sight. नज़ारा जो है वो दिलकश नज़ारा attractive sight. और देखने को हमने यहाँ पर क्या लिखा witnessed. सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था. The hunter had not spread net before the sun rose. यहाँ पर हमने rise की second form of verb use की है rose. ओके क्लास, या आपके पास परफेक्ट टेंसेस थे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको नीट करके लिखना. और आपकी और आपका टास्क ये है कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है उनको सिंपल फॉर्म में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिखें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.